Hey guys, good morning. कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे. सो आज हम लोग जा रहे हैं टाउन और मे बी एक टेरिस कैफे है, तो हमारा कुछ प्लान है वहाँ जाने का. दल हम जाएंगे जॉर्बर्ग बीच. सो अभी हम लोग अपने घर से निकल गए हैं, अभी 12 बज चुके हैं. तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है. सो हमने देखा था कि आज पूरे दिन अच्छी धूप है, तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था. और आज है डे मंडे, सो आज हमारा ऑफ था दोनों का ही. सो आज से 29th होगा ना जुलाई. सो इसलिए हमने सोचा कि, और मैंने सोचा कि उन्हें आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं. सो आपको पूरा दिखाऊंगी और आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, और जिससे कि आप भी पूरा हमारे साथ देख सकते हैं. सो या सीधे मिलता है टाउन में. सो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं टाउन, और ये टाउन का बस स्टॉप है. सो हम यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे थे, जिसमें कि हमें ये प्रेस करना होता है बटन, फिर गाड़ियाँ रुक जाती तो हम रोड क्रॉस कर सकते हैं. ये यहाँ पे ऐसे है रोड क्रॉस करने के लिए, बहुत अच्छा है. सो उसके बाद हम आगे को आए, तो हम लोग आगे को देखने आए थे कि बीच में यहाँ पे ना ऐसे जो स्ट्रीट फेस्टिवल वगैरह लगा था वो है या नहीं. अभी तो वो बंद हो चुका था. सो यहाँ पर ट्रेन की टिकट वगैरह मिल रही है, अगर वो जो ट्रेन आती है एक, सो अगर किसी को उस पर बैठना है तो वो. फिर हम आगे वापस आ गए थे, तो यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पे ये स्ट्रीट फेस्टिवल चल रहा था जिसमें ये लोग गाना गाते हैं और उनको लोग डोनेट करते हैं, तो ये फिर चैरिटी में दे देते थे किसी. सो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बहुत चीज़ें यहाँ पे ऐसी चलती हैं. सो उसके बाद हम लोग आ गए टेरिस कैफ़े में. सो हम लोगों ने जैसे एंटर किया, तो एंटर करते ही हमें यहाँ पे बहुत चीज़ें देखने को मिली, जैसे ये स्टैचू और लाफिंग बुद्धा और ये हाथ जोड़ते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और काफ़ी कलरफुल सा था. एंड फिर हम आगे आए तो यहाँ पे गोरिल्ला, एलिफेंट, फिश, ये सब कुछ भी था यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था. हमारा ये फर्स्ट टाइम था, सो हम लोग आए. और यहाँ पे ऐसे ये वुडन का हट काइंड ऑफ होता है, जो कि आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो, बट ये मोस्टली बंद, मतलब बहुत बिजी था. सो ये सिर्फ समर में ओपन रहता है ये कैफ़े, अदरवाइज यहाँ पे विंटर में बहुत विंडी रहता है और बारिश होती है. सो इसलिए कि हमें फाइनली एक जगह मिल गई थी कॉर्नर पे, जहाँ से कि रोड वगैरह सब कुछ अच्छे से दिख रहा था. मुझे बीच में नहीं बैठना था, साइड पे कॉर्नर पे अच्छा रहता है. सो हमें कॉर्नर की सीट मिल गई थी, हम लोगों ने वो टेबल अपने लिए कर लिया था. तो यहाँ पे ऐसे प्री बुकिंग वगैरह भी होता है, बट ऐसे भी नहीं है कि खाली भी मिलता है. सो हमने बुकिंग नहीं करी थी. सो यहाँ से बस स्टॉप दिख रहा है और पूरा बीच वगैरह दिख रहा है, जहाँ पे बोट वगैरह लगी रहती है. सो उसके बाद ये हमें उन्होंने दे दिया था कि इस पर ये वाइब्रेट होकर लाइट चलेगी, दैट मीन कि आपका ऑर्डर रेडी है. सो मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, वहाँ पे देने के लिए नहीं आते, आपको खुद जाके लाना पड़ेगा काउंटर से. सो हमने अपने लिए फ्रेंच फ्राइज, वेज बर्गर ऑर्डर किया था. हमने सोचा था हम सुशी खाएंगे, बट यहाँ पे सुशी सिर्फ थर्सडे को अवेलेबल रहता है. और हमने यहाँ पे कोक ली थी, तो हमने वो ड्रिंक लिया अपना. और उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ का खाना अच्छा लगा, और हमने डम्पलिंग भी ऑर्डर किया था. सो वो भी काफ़ी प्यारा था, मतलब बहुत अच्छा था खाने में, टेस्टी था, मुझे वही पसंद आया. फ्रेंच फ्राइज मुझे बहुत फेवरेट है मेरे, और स्प्रिंग रोल भी अच्छे थे. और ये यहाँ का चर्च है, टाउन का चर्च. सो काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी और काफ़ी बिजी था यहाँ पे, और ये यहाँ का फ्लैग है गंजी का. सो काफ़ी प्यारा वेदर हो रखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, बट हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे. सो उसके बाद हम लोगों ने अपना पूरा लंच इंजॉय किया. उसके बाद सो हमने सोचा कि चलो चलते हैं अभी. सो यहाँ पे काउंटर था जहाँ पे हम ऑर्डर किया था. दैन उसके बाद हम बाहर आए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. सो यहाँ से बस मार्केट हम जा रहे थे, तो ये वो टेरेस है जहाँ पे हम लोग गए थे, तो अंदर से इतना ब्यूटीफुल है. और ये चर्च, सो बस अभी हमें रोड क्रॉस करके जाना है. सो हम लोग थोड़ा सा अभी फिर बीच जाएंगे, बट उससे पहले मेरे हस्बैंड को अपना हेयर कट करवाना था, तो वो अपना हेयर कट करवाने के लिए जाएंगे, और मैं साथ में मुझे तो वैसे कुछ काम था नहीं, बट मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ शॉपिंग करने चले जाऊँगी, मे बी कोई ड्रेस और मे बी कुछ भी. सो यहाँ पे न्यू लुक है, मैं वहाँ पे जाऊँगी. और ये यहाँ पे एक शॉपिंग, मतलब हॉल का टाइप का है, बट वो जैसे वहाँ पे ब्रांड वगैरह का मिलता है. और ये एक कैफ़े है जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हो. मोस्टली हम यहाँ से कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे चेयर्स वगैरह रहती है कि आप बैठ जाओ. और फिर यहाँ पे एक सिंगिंग वाला और हो रहा था, और ये है सिफोरा, और ये है न्यू लुक. तो मैं न्यू लुक जा रही हूँ,
और यहाँ पे मोस्टली अभी ना सेल पे चीज़ें हैं, जैसे कि 8 pound, 12 pound, 20, 15. सो क्योंकि अभी समर का क्लोथ यहाँ पे आ रहा है और मतलब सेल पे है, और अब विंटर का आ रहा है क्योंकि अब विंटर आने वाला है इसलिए. और ये कोट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जो यहाँ पे लिखा था, देन मैं सीढ़ियों से ऊपर गई थी. यहाँ पे बेबीज़ का है मोस्टली, और यहाँ पे भी कुछ सेल के ड्रेसेस वगैरह लगी रहती है और ज्वेलरी वगैरह और हैंड बैग, शूज़ सब ऊपर है, और नीचे सिर्फ ड्रेसेस, जीन्स. ये पूरा जो न्यू लुक है वुमेंस का है, लेडीज़ का है, तो यहाँ पे जेंट्स का कुछ नहीं मिलता. फिर मैं आई सिफोरा पे. सो यहाँ पे ये डियोर का सेक्शन था. सो डियोर के सेक्शन में ये यहाँ के फाउंडेशन थे और कुछ लिपस्टिक्स थे और लिप ग्लॉस. मुझे ये कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास डियोर का है लिप ग्लॉस भी और फाउंडेशन भी. और ये सिफोरा का नेल पेंट था. पहले मुझे लगा ये लिप बाम है, कितना टाइनी सा था और बहुत क्यूट सा था, बहुत अच्छा लग रहा था. और ये ब्लू आईलाइनर जो कि मैंने ब्लू कलर का लिया, मुझे ब्लू चाहिए था, मेरे पास इसका ब्लैक है सो इसलिए मैंने सोचा मैं इसका ब्लू ले लेती हूँ. और बस मेरी शॉपिंग हो गई थी फाइनल. सो मेरे हस्बैंड आ गए थे अपना हेयर कट करवा के, तो बाहर वेट कर रहे थे. कॉफ़ी उन्होंने अपने लिए ऑर्डर करी हुई थी. देन मैंने सिफोरा से लिया था ये 2 sheet mask लिए थे और एक ब्लू कलर का आईलाइनर लिया था, और जो कि एक और दो इन तीनों का जो कॉस्ट है अराउंड मुझे 18 something पड़ा था. और फिर यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पे भी कुछ सिंगिंग का हो रहा था. तो फिर यहाँ पे ये ट्रेन आ गई जिसकी टिकट वहाँ पे मिल रही थी जहाँ हम पहले गए थे. सो ये ट्रेन है, ये लोग ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ घूमने आते हैं तो वो ट्रेन वगैरह में बैठते हैं. और ये ढाका शॉप है बांग्लादेशी का, जहाँ पे आपको इंडियन ग्रॉसरी मिल जाएगी लाइक मसाला, स्पाइसेस वगैरह, आटा और वेजिटेबल्स. सो हमें थोड़ा सा यहाँ से सामान लेना था जो कि हमने ले लिया था. फिर उसके बाद गए हम बीच की तरफ. तो हमने सोचा था हम जोरबर्ग जाएंगे, तो हमने अपना वो प्लान कैंसिल कर दिया था क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता, इसलिए हमने सोचा यहीं घूमते हैं. सो उसके बाद मैं यहाँ देखने के लिए कि कहीं पर कुछ स्पॉट है तो वहाँ बैठेंगे, बट वहाँ पर बिजी था. फिर मेरे हस्बैंड ने 2 आइसक्रीम ले ली थी जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ की आइसक्रीम टेस्टी होती है. सो हमने 2 कोन ली थी. सो हम आगे को आ गए. सो हमने यहाँ पे बैठे, यहाँ पे हमने अपना स्पॉट देखा, हमने अपना सामान बैग वगैरह रख लिया था. और फिर उसके बाद हम लोग अपने फुटवेयर रिमूव करके आगे बीच की तरफ जा रहे थे. बट सीरियसली पत्थर बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत भयानक चल था इनमें चलना. बट कैसे जैसे तैसे मैनेज करके हम लोग चले गए थे. उस साइड को रेत थी पर उस साइड को बिजी था, लोग स्विमिंग कर रहे थे, बट इस साइड को थोड़ा खाली था तो इसलिए हम यहाँ पे आए. सो यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह में बैठेंगे करके हम लोग थोड़ा आगे आए. सो यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा क्लियर है, और जो आपको सामने दिख रहा है वो है गंजी का कैटल. जो कि काफ़ी प्रिटी है, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है पहले ही. एंड देन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था आज, बहुत ज़्यादा अच्छा था. सो मैं आगे को जा रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था वीडियो बनाने को, और सामने एक कॉन्डोर फेरी जा रही थी जो कि यहाँ की फेरी है जो जर्सी जाती है, कॉन्डोर फेरी. सो वो थी. और उसके बाद हम लोग वापस आ गए. तो फिर मैंने यहाँ पे हम लोग बैठे थे, हमने अपनी आइसक्रीम तो खा ली थी. और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा क्लियर है और बहुत ज़्यादा अच्छा प्यारा मौसम हो रखा था. देन उसके बाद यहाँ पे ऐसे ये संख से मिल रहे थे मुझे, छोटे छोटे संख से. सो ये जो है ये ना मूवमेंट कर रहे थे, ये चल रहे थे, शायद ये जिंदा थे अभी. अब इनका नाम क्या कहेंगे अभी मैं एक्चुअली भूल गई हूँ, बट मैं अगर मुझे हो याद होगा मैं लिख दूंगी. ये वो था. और आप देख सकते हैं ये चल रहा था, मैंने इसका पूरा जूम करके पूरा अच्छे से वीडियो बना लिया था पास से ताकि ये मैं कैप्चर कर पाऊँ. और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ना शंख भी मिल रहे थे, जैसे बहुत छोटे छोटे, बड़े वाले नहीं, जो कि पानी के अंदर था. तो मैंने बहुत सारे वो निकाले भी, पिछले बार हम लोगों ने निकाले थे तो हमारे पास एक्वेरियम है तो मैंने उस पर डाल दिया था वो. एंड देन यहाँ पे मैं बात कर रही थी, वो मुझे एक दिख गया था शंख, तो मैंने उसको पानी से निकाल के आपको दिखा रही हूँ. ये वो शंख है. तो यहाँ पे इतने छोटे छोटे ही मिलते हैं, और कोई तो प्रॉपर शेप का होता है, वो बहुत प्यारे लगते हैं. मेरे पास ये बहुत है घर में, मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा लगता है. देन उसके बाद हमने बहुत 2-3 घंटे वहाँ पे बैठे. फिर हम लोग चले गए वहाँ से दूसरी तरफ. तो ये पूरा यहाँ पे एक चलने का है, और यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी रखी है, अगर आपको बैठना हो आप बैठ सकते हो यहाँ पे. और यहाँ से भी काफ़ी प्यारा व्यू लगता है. और हम उस कॉर्नर में थे अभी, तो हम वहाँ से आ गए हैं. आप यहाँ पे बैठ जाओ और पूरा व्यू इंजॉय करो, आइसक्रीम, कॉफ़ी, जो भी आपका मन है वो आप यहाँ पे खा सकते हो, पी सकते हो. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि
आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। देन उसके बाद हम लोग आगे की तरफ आए कैटल की तरफ, तो यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। इस पे एक ब्रिज है तो इस पे, और दोनों तरफ से ऐसे मतलब कि है, आप सेफ्टी है कि आप नीचे नहीं गिरोगे। सो कैटल का टाइम हो गया था बंद होने का, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 4:30 अराउंड तो हो ही गया था, 5 बजे बंद हो जाता है। और अगर आप कैटल घूमने जा रहे हो तो उसमें कम से कम आपको 2-3 घंटे तो चाहिए। सो इसलिए फिर हम लोग आगे की तरफ आए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे ब्रिज है, इस पर आप चलो और नीचे से पानी का व्यू दोनों साइड से आता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हो, बट थोड़ा रिस्की है क्योंकि पानी नीचे बहुत गहरा है। और फिर दूसरी तरफ से यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो, और बट यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा क्लियर है इस जगह का। और यहाँ पे एक फेरी थी जो MSC वाली फेरी थी, वो थी क्योंकि वो दूसरी कंट्री से लोग आते हैं घूमने के लिए। सो वो है क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा वेदर होता है, तो बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, तो वो था। और जिसमें से कि जो छोटी बोट थी वहाँ से लोगों को लेके आती है शिप, और फिर वो बड़े शिप में जाते हैं, और यहाँ पे लोग मछलियों को भी पकड़ रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। सो हमारे पास ऐसा तो कुछ था नहीं करने का, बट अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैठे और पानी की लहर को देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत सुकून देता है समुद्र की लहरें जब उठती हैं तो। हे गाइस, जैसे कि आपने देखा आज हम लोग आए थे टाउन, और हम लोग गए थे टेरेस कैफ़े, और उसके बाद हम लोग जाने वाले थे जोरबर्ग, बट फिर हमारा प्लान चेंज हो गया था। यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप थी तो हमें वहाँ पे टाइम लग गया कैफ़े में, तो हमने वहाँ पे इंजॉय किया। देन हमें कुछ काम था, थोड़ा शॉपिंग करनी थी, वो किया। मेरे हस्बैंड को हेयर कट करना था तो उन्होंने वो किया। देन हम उसके बाद टाउन के ही बीच में आए थे, तो हम लोग बीच में आए थे। फिर अभी यहाँ पे क्वेटल कॉर्नेट है, तो हमने सोचा कि थोड़ा यहाँ पे चलते हैं, इन्जॉय करते, तो हम यहाँ पे आए। और अभी आज काफ़ी प्यारी धूप है, तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और बहुत अच्छा हमने लंच वगैरह किया था, और काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने जानने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर कोई मेरी वीडियो को देख सके। और ऐसे ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।